एक बड़ी खबर रांची से। आपसी रंजिश में एक युवक को हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ा गया। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सीताडी के पास युवक को ट्रैक पर छोड़ा गया था। युवक का ट्रेन की चपेट में आकर पैर कटा है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अब अस्पताल भेजा गया है। कुटे गांव के कलाम अंसारी के रूप में युवक की शिनाख्त हुई है। घायल युवक ने बताया कि तीन लोग उसे जबरन यहां बांधकर डाल गए थे। युवक ने अपने ही गांव के कुछ व्यक्तियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, एक शख्स का पैर कट गया है। गरिमत रही कि वो बाल बाल बचा, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया है, पैर उसका कट गया है। और इमरान, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, पूरा अपडेट जानेंगे। देखिए, ये रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है वो आपसी रंजिश का शिकार हुए हैं। उसे हाथ पर बांध करके रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया था। हालांकि इस घटना में व्यक्ति के जो पैर है वह तो कट गया है, लेकिन वो गंभीर हालत में घायल था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है जो युवक है उसकी पहचान जो है वो कलाम अंसारी के रूप में हुई है, जो कि सिकंदरी थाना क्षेत्र के कूटे गांव का रहने वाला है। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर किस तरह की आपसी रंजिश थी और कैसे उस जगह पे पहुंचा। घायल के अनुसार उसे तीन लोगों ने जबरन वहां तक पहुंचाने के लिए रेल की पट्टी के पास गमछे से बांध करके पैर जो है वह ट्रैक पर छोड़ दिया, और उसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था उसकी तलाश में जुट गई है। प्रयास की जा रही है कि जो आपसी रंजिश चल रही थी उसके अनुसार जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन एक अलग सा मामला देखने को मिला है, जहां पर युवक को ना सिर्फ पहले हाथ पैर को बांधा गया बल्कि उसे जान से मारने की नीयत से रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया ताकि ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाए। उसके बाद इस पूरा जो घटना है वो आत्महत्या का रूप ले रहे, और जो इस पुलिस जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं करेगी और आरोपी बच जाएंगे। लेकिन किसी तरह के ऊपर वाले की गरिमत है कि जो युवक है वह किसी तरह अपने आप को रेलवे ट्रैक से बाहर निकालने में सफल रहा। हालांकि इस दौरान उसके पैर कट गए, फिलहाल गंभीर अवस्था में रिम्स में एडमिट है और इलाज चल रहा है। तो पुलिस जो आरोपी है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, छापेमारी किया जा रहा है। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो आपसे रंजिश में ये घटना मामला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।